सोच के आए मार दिया जाए छोड़ दिया जाए और ये भाई साहब अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा दूसरे से ही चुनना चाहता हूँ तो मुझे लगा ये भगवान इसको माफ करना ये क्या बोल रही इसको मालूम है कितने बड़े तुम हो जाओ ना एक प्रॉब्लम से हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल आज हमारे साथ में दो बहुत खास मेहमान हैं द वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर हार्दिक मेहता एंड द एक्टर पार एक्सलेंस मिस्टर संजय मिश्रा जी हेलो हेलो जो कि अपनी नई फिल्म कामयाब के साथ में आ चुके हैं और काफ़ी तारीफें बटोर रहे हैं स्पेशली क्रिटिक्स से सो वेलकम टू द शो थैंक यू तो हार्दिक मैं आपसे जानना चाहूँगा कामयाब इसकी सोच और शुरुआत किस तरीके से हुई जैसा अभी आपने कहा कि आप फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है स्पेशली क्रिटिक्स से तो अब हम कल रिलीज भी हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ क्रिटिक से ही तारीफ ना कर पाएं और ऑडियंस से भी तारीफ पाएं क्योंकि फिल्म तो ऑडियंस के लिए ऑडियंस के लिए ये क्या प्लान है मैं कामयाब तो फिल्म की शुरुआत हुई यार एक्चुअली हम हिंदी फिल्मों को देखने वाले जो पब्लिक है ना इंडिया में वी ऑल आर बिग फैंस ऑफ हिंदी सिनेमा यू नो हम लोग क्रिकेट और सिनेमा पे ही सब बड़े होते हैं और जब मैं 90s में बड़ा हो रहा था तो मैंने बहुत ज़्यादा टिपिकल जो 70s की 80s की फिल्में जो टीवी पे आती थी वो सब देख के बड़े हुए और तब फिल्में होती थी भी ऐसी कि मतलब यू नो हीरो को बहुत सारे अलग अलग गुंडों से बदला लेके फाइनल मेन विलन तक पहुंचना होता था तो ये जो टिपिकल चीज़ें होती थी इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था कि इन लोगों की नकल करना और यू नो और फिर जब मैं बॉम्बे आया असिस्ट करने तो मैंने लुटेरा और क्वीन में असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे पुराने एक्टर्स को यू नो अंधेरी में घूमते हुए देखा तो मैंने सोचा कि यार अरे वो तो त्रिदेव में था ये तो सरफरोश में थे मतलब यू नो और ये अभी मतलब क्या बात है अभी भी ऐसे ही घूम रहे तो मैंने कुछ लोगों से मिला बातचीत हुई और फिर पता चला एक्चुअली जर्नी क्या होती है यू नो एक हमारे भ्रम होता है स्मॉल टाउन में बैठ के अरे बॉम्बे में तो सब एक्ट्रेस के अच्छा खाचा ऑन जिंदगी जी रहे होंगे लेकिन जिंदगी की सच्चाई कुछ अलग है उसमें ह्यूमर भी बहुत है उसमें कॉमेडी भी बहुत है और उसमें थोड़ी सी ट्रेजेडी भी छुपी हुई है यू नो तो आई थॉट कि इसको ना वो टिपिकल एक स्ट्रगल और एक वो ये फिल्म मतलब यू नो ये कैरेक्टर ऐसा नहीं बनाना था मुझे एकदम आर्टी टाइप मतलब मुझे मैं चाहता था सॉरी द आर्टी टाइप जो लोग सोचते हैं ऐसा बट मैं चाहता था कि इसको एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाऊँ और जब एंटरटेनिंग फिल्म सोचा मैंने तो इनके अलावा और कौन सोच सकता है यू नो और स्पेशली बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि अगर एक कैरेक्टर एक्टर की कहानी बता रहे हैं तो फिर उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार कास्ट कर ले और फिर वो स्टार को हम ऐसे दिखाएंगे कि मतलब यू नो दैट स्टार वुडंट हैव हैड द लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हाट मिस्टर मिश्रा कैन ब्रिंग टू द फिल्म यू नो सो वो चीज आई वाज वेरी हैप्पी विद एंड देन व्हेन दृश्यम फिल्म्स रेड द स्क्रिप्ट आई वाज वेरी हैप्पी एंड दैट दे डिसाइडेड टू टेक अप बिकॉज दे हैव ऑलवेज टेकन कंटेंट ड्रिवन international cinema with them you know so I was very happy that way that you know Kaamyaab had its little journey this way aur ek tarike se dekha jaye to ek hindi cinema ko tribute bhi hai aur ek tarike se dekha jaye to hum sab ki zindagi mein jo ek underdog hai usko bhi ek tribute hai you know ye jo bol raha tha na ki Bombay ke life par matlab dusre chote shehar mein lagta hai jaisa hamara background music hota na वैसे ही लगता हो लोगों टांग सुधीर थोड़ा टांग 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 लेकिन वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ अलग बज रहा है रियल लाइफ में मुझसे भी कुछ पूछ लिया किरदार और कहानी हर एक आर्टिस्ट के लिए चाहे वो फिल्म मेकर हो एक्टर हो एक मीडियम में अपनी बात कहने का वो एक अलग चीज़ है बट अपने आप को रीइन्वेंट करने का भी एक जरिया है वो सो आपने इस फिल्म से वो क्या चीज़ थी जो अपने अंदर दो लाइफ जीते एक तीन दिन हो गए यार गैस नहीं देखे गैस नहीं आया जब हेलो दो जिंदगी जी रहे एकदम अबे तू है वो जो एक चीज है ना कि घर में कुछ और बाहर कुछ और ये एक ऐसी अच्छी चीज निकली और डायरेक्टर और सबके सहमति से वो चीज निकली कि एक ही फिल्म में दो सुधीर हो एक जो घर में होगा वो अलग होगा जो बाहर होगा
इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेलर में कि वो विग पहनते हैं और वो विग बेसिकली एक मुखौटा है जो वो अपने संसार को दिखाना चाहता है कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ, मैं अभी भी वही हूँ जो 80s में फिल्में करता था. और एक जब घर पे है तब वो ऐसे संजय मिश्रा जो नॉर्मली नहीं लग रहा देखो बच्चों की खुद चाय रखते हैं. मैं तब से तेरी तरफ देख रहा हूँ ना, रेड 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 और एकाएक वो रेड मैंने कहा है पोस्टर से निकल गए, पोस्टर से निकल गए चाय रख के चले. सॉरी मतलब ऐसा दिखा. वाह यार अब चले गए एकदम, देखो लग भी नहीं रहा कोई आया था. और ऐसे भी वो छुपके छुपके जो आते हैं ना कि कैमरा में दिखना चाहो ये लोग उनको किसी के इशारों का सामना नहीं करना पड़ा, सीधे ही घुस गए. वेल डन. सो अगर मैं कामयाबी को एक कैरेक्टर की तरह देखूं, सो आप दोनों के लिए कामयाबी ने लाइफ के हर स्टेज पे किस तरह से अपना आर्क बदला है? आप पहले क्या मायने थे और आज क्या मायने हैं कामयाबी के? मायने तो एक्चुअली सोसाइटी में वही है यार अक्षय, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारा परसेप्शन बदलना है ना कभी, तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इतना मिलियन फॉलोवर्स मेरे हो गए तो मैं कामयाब हो गया. मतलब यू नो ये मैंने संसार जीत लिया, माउंट एवरेस्ट कूद लिया, घर में अकेला रहता हूं, मेरे फॉलोवर 5 मिलियन. एग्जैक्टली. तो ये जो है ना कि मतलब कि कामयाबी को नंबर से जोड़ देना या कामयाबी को एक ऐसे पेडेस्टल पे रख देना कि इसका मतलब यू नो कामयाबी कैन ऑल्सो मीन दैट यू नो कि मैं घर पे बैठ के मेरे पसंदीदा सब्जी खा रहा हूँ, मेरे बच्चों या फैमिली के साथ बैठ के यू नो देख रहा हूँ फिल्म जो मुझे पसंद है. तो आई थिंक वो परसेप्शन हमें स्पेशली सोशल मीडिया में जो अब आ गया है ना कि टिकटॉक में इतने फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स और ये तरीके के वीडियो करना, वो तरीके के इन्फ्लुएंसर बन जाना, तो आई थिंक हम सबको समवेयर ये इम्पोर्टेंट है समझना कि आपके दिल में कामयाबी क्या मायने रखती है. यू नो जो भी आप बाहर संसार को दिखाना चाहते हो. और आई थिंक कामयाब फिल्म भी यही बात करती है कि एक एक्टर को जिसने एक जमाने में इतने सारे रोल कर रखे हैं कि उसको खुद को याद नहीं है, कि उसे याद दिलाता है कोई कि 499 हो गए यार और अब वो 500वीं फिल्म करने जाता है सोच के कि मैं रिकॉर्ड बना दूंगा तो मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस होगा, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाऊंगा. लेकिन कामयाबी तो कहीं और छुपी है ना. मतलब यू नो अगर आप वो ढूंढ सकते हो लाइफ में तो आपने आपकी लाइफ में अपने आप को मतलब यू नो यू हैव यू अराइव्ड. आई फील आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो बिहाइंड ऑल द ह्यूमर एंड इमोशन देयर लाइज दिस फीलिंग और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेटिस्फाइड हो ना तो कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हर समय पे कामयाब का मकसद ही है. आपको एक अच्छी ट्रेन में खिड़की वाली सीट मिल गई नहीं तो थर्ड वाले पे लटके रहो. बहुत बोरिंग होता है थर्ड वाला ना, खुल के बैठ भी नहीं सकते, ऐसे ही बैठना पड़ता है. यहाँ पे पंखा एक टाइम पे उस पे लोग चाय पी के ना चाय आपको पैकेट पंखे पे ऊपर जूते भी तो कामयाब है वो. तो कामयाबी मतलब अब मेरी कामयाबी थी ऐसी कि मैं ट्रेन में वेटिंग लिस्ट आरएसी वेटिंग लिस्ट में चढ़ा था, आरएसी मिल गया. वाह कामयाब हो गया, आरएसी कम से कम बैठने को मिलेगा. थोड़ी देर बाद आया आपका उसमें हो गया है बर्थ मिली तो वो एक अलग कामयाबी. फिर एसी सेकंड क्लास, फिर एसी फर्स्ट क्लास, फिर ट्रेन के एकदम आगे और एक दिन ट्रेन के एकदम आगे. कामयाब. आप कैरेक्टर में किसी भी कैरेक्टर में इतने आसानी से कैसे स्विच कर लेते हैं, वो क्या ट्रिगर पॉइंट है जो आपको हेल्प करता है? मैं कुछ करता ही नहीं हूँ. सबसे बेहतरीन बात क्या ना कि मैं कुछ करता ही नहीं. इस देश में इस दुनिया में आपसे कराने वाले 1 करोड़ लोग हैं, समझ रहे हैं? जब वो कराने वाले तो आपको करने की जरूरत क्या है? मुझे कैमरा मैन बोलता है सर थोड़ा सा इधर वो लाइट समझ रहे हैं, हाँ वो मूड समझ गया मैं कि ये मेरे पर ऐसा लाइट दे देता है. या किसी असिस्टेंट को कह देता हूँ तू खड़ा हो जाए जरा मैं जाके मॉनिटर में देख लूँ कि हाँ हाँ. देखो वो वाली चीज जो आप कहते थे ना एक बार कि जिंदगी में एक्टिंग, एक्टिंग में जिंदगी, हाँ वो ये नहीं समझ पाएगा. क्यों नहीं समझेगा सर, शर्ट पैंट में खड़ा है, ऑफिस ने अच्छी पोजीशन दी है, क्या उतना कामयाब नहीं हो ना. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. देखो लाइफ में अगर एक मजा लेना है ना तो जिंदगी में एक्टिंग करो. किसी ने गाड़ी ठोक दी वो गाली दे रहा तो आप भी मत देने लगी. देखो ये तो हमेशा होता है, आज मेरे साथ हो गया
ये सामने वाला सोचो, उसको सोचो कि वो एक्टिंग कर रहा है, बात धांसू कर रहा है, कॉलर भी सही पकड़ लिया, तो थोड़ा अलग हो जाओगे जिंदगी में। और जो स्टेज पर या सिनेमा में एकदम रियल करो, एक्टिंग वहां नहीं करो, वहां जिंदगी, वो जिंदगी जियोगे तब तुम हमसे सवाल पूछोगे कि इतने आसानी से कैसे कर लेते हैं। और इस पचड़े में तो फंसना ही नहीं, जिंदगी में खूब एक्टिंग करो। ये मेरी बीवी है, ये एक्टिंग कर रही है, शायद ऊपर वाले ने इसका डायलॉग कुछ चेंज कर दिया है, भगवान इसको माफ करना, ये क्या बोल रही है इसको मालूम नहीं। कितने बड़े तुम हो जाओ ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व। संजय जी, ही इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन हिमसेल्फ, सितार भी बजाते हैं, काफी म्यूजिकल बेंट ऑफ माइंड है। सो व्हेन इट कम्स टू यू टू जैमिंग टुगेदर ऑन अ सीन और ऑन अ सीक्वेंस, वो म्यूजिकल बेंट ऑफ माइंड कितना हेल्प करता है आपको स्टोरी फॉरवर्ड, बहुत कैरेक्टर फॉरवर्ड करने में? बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या होता था कि जैसे हमारे कामयाब में भी जब वो डाकू का रोल कर रहे हैं तो वो मेरा गांव मेरा देश का साउंडट्रैक चला देते थे, मतलब यू नो मूड पूरा क्रिएट करने में ना म्यूजिक सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग जब 6 लोग इकट्ठा होकर एक फिल्म बना रहे होते हैं तो सबको पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या रूट सही होने वाला है, ये इनका सोच के आए हैं, मैं मेरा सोच के आया हूँ, लेकिन क्या वो तालमेल मिलना जरूरी है? आपको तालमेल मिलना जरूरी है, लेकिन कैसे? तो म्यूजिक रियली हेल्प्स टू सेट यू द मूड, टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डिमांड ऑफ द सीन, यू नो। तो DOP भी उस तरह से लाइटिंग करते हैं कि ओ इस तरह का कुछ एक माहौल होने वाला है, ही कम्स और एनी एक्टर हु इज वर्किंग विद हिम स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पिच ये है सीन का, मतलब यू नो। तो ऑल ऑफ दैट, अगर हम स्मगलिंग का कोई सीन कर रहे थे जो डॉक्स पे वो माल आ रहा है, वो खोखे जा रहे हैं, तो डॉन का पीछे म्यूजिक तो ऐसा एक यू नो। सो आई थिंक इट इज अ वेरी, आपको सिनेमा में जो भी आप कर रहे हैं उसके अलावा एक आर्ट को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए उसमें, कि अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे या फोटोग्राफी या म्यूजिक या पेंटिंग या व्हाटएवर, मतलब यू नो वी चोज म्यूजिक बट अदरवाइज एक दूसरा आर्ट उसमें जाएगा ना, तो आप समझने लगोगे कि अच्छा ये हम हासिल करना चाहते हैं, वरना तो बड़ा इजी है कि एक वाइड एंगल ले लिया, एक क्लोज ले लिया और बन गई पिक्चर, इसमें क्या बड़ी बात है ना, मतलब। बट आई थिंक वेयर डायरेक्शन और वेयर गुड फिल्म मेकिंग ट्राइज टू कम, और मैं भी वो कोशिश ही कर रहा हूँ, ये है कि मूड बनाने में, मतलब यू नो। तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट्स फॉलोइंग दैट पैटर्न, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस। इनफैक्ट मैंने दूसरी फिल्म जो रूही अफजा की उसमें भी, मतलब राजकुमार जानवी वरुण दे ऑल वेयर लाइक के हार्दिक व्हाट इज द म्यूजिक, बिकॉज ना एक्टर क्या करते हैं कि जब खत्म होता है ना शॉट तो सबसे पहले डायरेक्टर की ओर देखते हैं, क्योंकि क्या ये सही था कि नहीं था कैसे पता चलेगा, और उसी शॉट को फिर उस म्यूजिक में हम सुनेंगे या बिफोर द शॉट इज गोइंग टू गो ऑन, इफ यू डू दैट इट रियली हेल्प्स। सो आई थिंक दैट इट्स समथिंग दैट वी डिस्कवर्ड ऑन दिस फिल्म। इवन फिल्म में भी तूने वो जो दीपक डोबरियाल मेरा कर रहा था, रुकिए एक मिनट, इसमें म्यूजिक लगा के इसमें म्यूजिक लगा के करते हैं, और आप कहीं डाकू के लिए सोच के आए, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, और ये भाई साहब अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा मार दिया जाए। हाँ, द आइडिया बीइंग दैट कि यू नीड टू नो कि अच्छा ये स्पेस है फिल्म का या ये सीन का ये स्पेस है। तो ये तो म्यूजिक की बात होगी, बट ऑन सेट जो आपस में बातचीत होती है फिल्म के अलावा वो किस टाइप की होती है, क्या क्या ट्यूनिंग रहती है? ऑन सेट हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे इसीलिए, हमारी 150 करोड़ की फिल्म नहीं थी कि सब आके कुर्सी लगा के बैठे हैं, ज्यूस आ रहा है और मतलब ओ यार वो शॉट में ऐसे सोच के रखा है और मतलब यू नो। तो हमें 30 दिन थे हमारे पास हार्दिक हमेशा नाश्ता करते हुए पाया जाता था, जिस समय मैं एंट्री ले रहा था, सर आप आ गए, आप नहीं आए तो सोचा नाश्ता कर लूं, आपने किया ऐसी बातें अच्छा सर आप चलो जब तक मैं आता हूं, मैंने शॉर्ट समझा दिया सर। बट आई मीन मोर इम्पोर्टेंटली सारी बातें जो हमें करनी थी ना वो पहले कर चुके थे, क्योंकि हम जानते थे कि सेट पे जाके ना हम ये टाइम वेस्ट की ये कैरेक्टर मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से ग्राफ ऐसा होना चाहिए, नहीं वी कांट डू दैट बिकॉज हमारे पास लिमिटेड डेज है, लिमिटेड बजट है, तो वी हैड टू फिनिश इन दैट। बट बिफोर प्री प्रोडक्शन में एवरी डे इवनिंग आई यूज टू गो टू संजय सर का एंड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स ओवर चाय वी वुड डिस्कस थिंग्स, के रोज 3 सीन डिस्कस करते थे कि इसमें क्या हम पिच पाएंगे, इसमें हम क्या लय पकड़ेंगे, तो उस हिसाब से वो सारी ब्रीफिंग हमें होती थी, वो स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं है कभी, वो सिर्फ सुनते हैं, तो यू नो इट रियली हेल्प्स दैट मैं भी प्रिपेयर होके जाऊँ बोलने, ये नहीं कि मतलब यू नो अच्छा बाकी तो वो ऐड कर ही देंगे, वो कर देंगे वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरा होमवर्क पता होना चाहिए। सो दैट रियली हेल्प, आई थिंक एवरी फिल्म मेकर शुड इंश्योर प्री प्रोडक्शन में एक्टर के साथ जितना हो सके उतना समय बिताओ,
एक्टर को समझो, एक दूसरे को समझो और इस फिल्म की वेवलेंथ उस तरह से बनती जाएगी, क्योंकि फिल्म अल्टीमेटली तो हमें ही बनानी है ना, फिर और तो नहीं बना देगा अचानक और हमें मिल गई। संजय जी, दोस्त चुनते वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या वो खूबी या एक क्वालिटी ढूंढते हैं आप इंसान में? दोस्त आपके कहीं आसपास का हो, ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड हो, वो भी दोस्त होता है। आपकी जो फितरत है थोड़ी उससे मिलनी चाहिए। मैं सड़क पे कहीं भी खा लेता हूँ, वो गले दो आए कहा मुझे इत्र परफ्यूम अगरबत्ती पसंद है, ओके नो आई कांट। दोस्त ऐसे ही चुनना चाहता हूँ, मुझे लगा ये कॉफी। ये दोस्त ऐसा ना हो जाए कि यहाँ के ओ मुझे लगा था ये होगा, हाँ। बहुत बड़ा चेप हो जाए लाइफ में, फिर आ गया यार बचाओ इससे, ये दोस्त है मेरा, ये दोस्त है मेरा। दोस्त अच्छा चुनना चाहिए लाइफ में, जिस दिशा में आपको जाना है, जिस दिशा में आपकी सोच है, आप एक स्पेस भी दें कि ये नहीं कि अब दोस्त आ गया तो बकर 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 कुछ बोल नहीं रहे, बोर हो रहे, ये सब अपना स्पेस है, शांत है, बहुत ये बनाए हैं, खाओगे हाँ, ये म्यूजिक ही सुनते हैं, ये कुछ दोस्त आते हैं, ये गाने वाने बंद करो यार, है तो सुने किसको जिसको तो दोस्त ही जरूरी होता है। क्रिटिसिज्म के लिए कितना जरूरी है एक दोस्त, सेल्फ क्रिटिक या एक कुछ जानते हो, एक कुछ ऐसे लोग होते हैं समझे, जैसे मैंने बोला जा भाई अक्षय से तेरे को काम है ना, जाके मिलना अच्छे से, मेरा नाम लेना, अच्छा जी नमस्ते, पेट बहुत निकल गया आपका सर। कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा होते हैं, उनको तो किनारे करो लात मार, कमजोर लग रहे हैं घर से ही निकलते ना, आज कुछ कमजोर लग रहे हैं आप, तो इनको तो किनारे करो। कुछ लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन कुछ लोगों का क्रिटिक मतलब क्रिटिसिज्म आपको चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है। जैसे मेरी बीवी के साथ में जब भी कुछ देखता हूँ ना, तो ऐसे कहती है यहाँ पे हंस दिए ना आप, इससे आप ऐसे हो गए, गलत नहीं बोल, हाँ यार मैं हो गया था आगे से। तो जब भी किसी शॉट में मुझे हंसी आ रहा होता है, कल एक इंटरव्यू में ऐसे हो रहा था, आ रही है ये, तो क्रिटिक्स अब वो भी दोस्त की तरह चुनना, हर चिरकुट को नहीं आप मेरे क्रिटिसाइज कीजिए सर, जो चल नहीं होता किसी फिल्म में, आज जो तूने ही भेजा था ना, वरुण ग्रोवर ने दिखाया था घोड़े मार रहा अपने पट राजा नहीं भैया, हल्के में रहो समझ जाओगे। गाड़ी चलाते हो कभी देखा है पीछे से कोई इशारा करते है, क्या कह रहा है? आपकी गाड़ी का दरवाजा पीछे वाला, वो उससे बढ़िया क्रिटिक्स कोई नहीं है। काम की बात बता रहे आगरा। बचपन हर किसी के लिए बहुत खास होता है, हर एक की लाइफ में कच्ची उम्र होती है, दुनिया पॉसिबिलिटी से भरी हुई है, चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो अपने कहानियों को और अपने किरदारों को ढूंढते हुए आप बचपन की गलियों में जाते हैं या अभी जो आसपास हो रहा है उससे? नहीं, वहीं से तो फिल्म आई है। ये इसका जवाब इसकी तरह से मैं देता हूँ कि बचपन ही में तो फैसिनेट हुए थे ना ये इन कैरेक्टर्स के प्रति। आगे मतलब वही जो बचपन में देखा था, मतलब यार आप ये सोचो ना कि मतलब एक्चुअली जो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ना, कि जिन कैरेक्टर एक्टर्स की मैं नकल करता था और जो मुझे पसंद थे, जिनसे मैं फैसिनेटेड था, उनके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई। और बचपन में दूसरे किसको देखते थे? शाहरुख खान को, तो वो भी इस फिल्म में आ गया। मतलब यू नो, तो आई थिंक एक फिल्म ने इतना कुछ दे दिया है हमें, इज ऑलमोस्ट लाइक मतलब यू नो पूरे बचपन का मतलब हिसाब हो गया एक फिल्म से। You know, so that it's kind of something that we never planned for, but something that happened, and we're very lucky that you know Shahrukh Khan and Red Chillies are co-producing and presenting this film. And at the same time, they also understand that it is not the ki matlab you know ki hume bas ek typical Hindi film wali film banani hai. Hum Hindi film ek achhi film bana rahe hain, lekin saath hi saath hum Hindi cinema ke grammar ka use kar rahe hain. Ki hume pata hai ki climax hoga to inspector aayega hi. मतलब यू नो कि
कोर्ट में केस होगा तो एक जज का फालतू डायलॉग होगा ये ऑर्डर ऑर्डर मतलब यू नो कि यार ताजी रात है हिंद वगैरह जो टिपिकल डायलॉग्स तो आई थिंक आई एम ग्लैड दैट दे अंडरस्टूड दैट हम हिंदी सिनेमा के ग्रामर में से चीजें उठा रहे हैं बट एट द सेम टाइम हम हिंदी सिनेमा को एस्थेटिकली भी अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं ये नहीं कि मतलब हर चीज पे मतलब यू नो कहीं से चॉपर आ गया और फिर 10 गुंडों ने एक लड़की को पकड़ दिया और मतलब यू नो सो आई मीन वी आर एट दैट वे वी आर काइंड ऑफ बैलेंसिंग और इसकी खाद जो है बचपन में ही पड़ गई Especially, क्योंकि आप ये सिनेमा देख रहे हो और फिर थोड़े से बचपन से बड़े होते हो तो आप वर्ल्ड सिनेमा से भी एक्सपोज होते हो ना तब आप देखते हो कि बाहर इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती है तो हम भी तो अच्छी फिल्म बना सकते हैं ना हम क्या टिपिकल यही फिल्में बनाएंगे क्या जिंदगी भर तो वही कोशिश है यार कि उन सिनेमा को भी एक ट्रिब्यूट देना लेकिन उस सिनेमा से कुछ लेके आज की तरह से भी प्रेजेंट करना बिल्कुल आपने शाहरुख खान की बात की सो सिंस वो फिल्म प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं आपने भी उनके साथ में काफी काम किया हुआ है एज अ मेंटोर और एज अ पर्सन जो हुज बाय योर साइड व्हाट इनपुट्स और व्हाट वैल्यू शाहरुख खान एड्स टू यू एज अ पर्सन और एज एन आर्टिस्ट बोथ ही एड्स सो मच वैल्यू दैट वी आर हियर गिविंग यू इंटरव्यू यू नो सो इट्स एज सिंपल एज दैट दैट आई लुक एट द मार्केटिंग या मतलब शाहरुख अब ये तो नहीं कर सकता है कि सुधीर की मूंछ बढ़ा दो फिल्म बन चुकी है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका कि उसमें एक मस्ती भी है और एक सीरियसनेस भी है क्योंकि उसको मालूम है कि वो पिक्चर देख के थोड़ा सा हिल गया रोया तो वो एक जो सीरियसनेस है और एक जो संजय मिश्रा की मस्ती है जी। दोनों को जो उसने प्रेजेंट किया है इस पूरे मार्केटिंग में बहुत बड़ा हुआ है और अक्सर क्या हो जाता है ना कि आपने बहुत अच्छी फिल्म अपनी तरफ से बनाई होती है दुनिया भर के फेस्टिवल्स में गई होती है लेकिन इंडिया का मार्केट ऐसा है इतना ज्यादा मेनस्ट्रीम ओरिएंटेड होता है ना मतलब तो आप मतलब मोनोपोली हो जाती है कि एक बड़ी फिल्म आप देखो दिवाली में आएगी 3,500 स्क्रीन्स जितने भी इंडिया में है सारे रोक लेगी यार मतलब और अगर वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो इंडिया की ऑडियंस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा देखने का मतलब यू नो सो आई थिंक दैट वे वो ही इज एंश्योरिंग दैट ऑल्सो दैट इस फिल्म को अच्छी रिलीज मिले अच्छे आईबॉल्स अच्छी विजिबिलिटी मिले कि हम बॉलीवुड बबल से भी बात कर सके और ना कि सिर्फ वो दो क्रिटिक किसी ने कोने में ढूंढा और अच्छी फिल्म थी अच्छा उसके दो शो लगे थे अंधेरी में कहीं हो गई खत्म मतलब यू नो तो दैट वे वी आर इंश्योरिंग दैट हम जोधपुर और हम लखनऊ और मतलब हम बड़ौदा अहमदाबाद सब जगह जा रहे हैं मतलब सो दैट्स अ ग्रेट थिंग ऑफकोर्स वी आर नॉट अ बिग फिल्म फ्रेंचाइजी तो हमारे मतलब ऐसा नहीं कि 1,500 स्क्रीन होंगे लेकिन अपने लिमिटेड स्क्रीन में भी द हाईएस्ट विजिबिलिटी दैट इज पॉसिबल वो हो पाई है एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रेड चिलीज एंड शाहरुख मैं तेरे इंटरव्यू में दो बार नोटिस किया तू अंधेरी बोला तो अंधेरी बम्बई में एक जगह है जैसे एक जगह तूने बोला कि अंधेरी में स्ट्रगलर तो कहीं कोई तीसरा ये ना सोच ले अंधेरे में स्ट्रगलर फिर तूने बोला अंधेरी में दो जगह रिलीज हुई है लगे अंधेरे में दो जगह रिलीज हुई है अंधेरी एक जगह है एक फिल्म को रिलीज होना चाहिए अंधेरी नाम की ताकि सबको पता चल जाए अंधेरी जैसे जुहू सबको पता है ना बॉम्बे में जुहू हाँ। नीमच में बैठा है कोई आगरा में बैठा है जैसे जुहू तो जुहू इसलिए पता है कि एक टाइम पे जो आराम नगर था ना वो जुहू था मतलब कि डायरेक्टर्स राइटर्स वाले तू यंग है कभी पता करेगा वो कैंसर वाला अस्पताल कहाँ है अंकल वहाँ बेटा इतने सीरियस सवाल अभी नहीं लेकिन अंकल धर्मेंद्र अमिताभ कहाँ रहते जुहू सोचो 16 साल का लड़का अगर तेरे पास आए अंकल वो कैंसर हॉस्पिटल का है दिल्ली बॉम्बे में ना तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तू ना कुछ कर रहा है कि क्यों पूछ रहा है बेटा लेकिन वो जू अब आराम हाँ ये अंधेरी वाली बात से मैं बता रहा था कि दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए और कोई चार एक्टर खड़े ना हो जाए अपने अंधेरे में बोलने वाला ये कौन कौन भाई भागलपुर एक्टर एसोसिएशन लाइफ में कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एकदम सही चल रही होती है ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे कि और भाई क्या हाल चाल जिंदगी में क्या चल रहा है जुबान पे कुछ भी रिप्लाई है माइंड में एक चीज़ रहती है कि एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन ही क्या है वैसे कौन कौन से मोमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा अभी तक स्ट्रांगली रजिस्टर्ड है पढ़ाई में बड़ा धक्कड़ टाइप आदमी था एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है मुझे मम्मी फिर भी डाइनिंग टेबल पे वेट करती थी पढ़ाई में फेल हो जाओ चाहे गाली सुन लो ये नहीं कि एक भी दिन गायब हो गए कि आज तुम खाओ क्योंकि तुम फेल हुए अकेले खाओ फिर खा लो वो भी बनाता खा लो तो एंजॉइंग लाइफ वहाँ पे अभी जो
पूरी जिंदगी एक्चुअली ये क्या उखाड़ रहे हो? नहीं भाई मैं एंजॉयिंग लाइफ नहीं कर रहा हूँ, जाओ तो जाओ मत करो है ना। देखो सुबह सुबह एक घंटा आज हर घर का बंबई का बर्बाद किया है, जिनके अखबार आता करो ना लेकिन फिर भी ऑफिस में आके एंजॉयिंग लाइफ। तो एक चीज जो कहते हैं ना, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, सिगरेट पीने से क्या होता है फेफड़ा, फेफड़े को क्या कहते हैं लंग्स, लंग्स लंग्स खराब हो जाता है। खाली पैर चलोगे तो आंखें अच्छी हो जाती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, करो लोग तुम्हारे दरवाजे पे। हम अभी ये बोल रहे थे, हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे, जितने कैदी जेल में है सिर्फ वही बचे जो बाहर निकल गए, सब मर गए। सोच ले जितने इंडिया में एक अच्छी स्क्रिप्ट बड़ा तीन चार लोग तो बना लेंगे, एडिट कर देंगे स्क्रिप्ट ना ना आप और वो है बाकी एक एक आदमी मर गया है, जिसकी रात में ड्यूटी थी वो सुबह गया, वाइफ मर गई, क्यों करोना? ये क्योंकि जेल में थे, जेल में तो करोना क्या कोई भी नहीं पहुंच। सोच ले अब वो वापस आए हैं और एक अलग दुनिया बनाए हैं, बहुत खूबसूरत दुनिया बनाए हैं, इतनी गाड़ियां पड़ी है चोरी करने की। सब तो मर गए। हाँ जो कत्ल में अंदर गया उसको कहे तू जा, कोई बचा ही नहीं, मार किसको मार। हमने एंजॉयिंग लाइफ ऑप्शन ही क्या है अब इससे पूछो इसके जिंदगी में एंजॉय। ये बहुत अच्छा था, मैं आई विल नॉट, मेरा आंसर आपको टॉप नहीं कर पाएगा। अरे तू इस काम के लिए बैठे क्या? फिर वो इंटरव्यू में कट जाएगा, बोले अरे वो संजय जी ने अच्छा बोला था ना, उसका कार्ड दे दिया क्या? तूने भी तो वो आर्टिस्ट का रोल पूरा काट दिया, कल जहाँ गए थे अपनी अच्छाई के लिए। तो एक आंटी बैठी हुई थी, वो तीन दोस्त लेके आई है, तुझे पता है कामयाब ये ना, मैं तुझे ना सरप्राइज कर दूंगी, ऐसे करके लेके आई थी, पूरा ही रोल काट दी इसमें। अब वो क्या करेंगी पिक्चर देख, आज सोचो लंच कर ली होंगी, लेटी होंगी, एंजॉयिंग लाइफ। पर वो बहुत रोल कर चुकी है और मैंने उनको इतनी फिल्मों में देखा है ना, लुका छुपी, मेड इन चाइना, सब में देखा है, तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें रोल मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कामयाब फिल्म का करियर डिपेंडेंट था कि भाई ये नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा कभी। सो दैट वे वी आर सेफ। लेकिन वो जो अपना जो कास्टिंग डायरेक्टर है गुलाटी, उसके ऑफिस के बाहर बैठी रहती है एक आंटी और उनको अभी भी होप है। मुझे हीरोइन के लिए बुलाएंगे, वो भी बोलती थी कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, दो बजे की शिफ्ट है, दो बजे की शिफ्ट है, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है, वो अकेली बोलती रहती है और बियर पीती रहती है, शराब पीती रहती है, अंत में वो कहीं बीच पे मरी पाई गई होती है, लेकिन वो सब निकाल दिया। बता तो सकता हूँ ना आंटी के लिए, तू तो ये पिक्चर बना के आंटी भगा देगा, दूसरे वो हमें अगली पिक्चर में मेरी माँ बनी होगी। बताया तो पहले ही मैं उनको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम नादान हैं। ऑडियंस में कोई क्वेश्चन? 90 से लेके अभी तक क्या आपको चेंज दिख रहा है? और इसमें देखो सबसे बड़ा चेंज आया है डिजिटल। 90s में शॉर्ट फिल्म नहीं बनती थी, वो हिम्मत ही नहीं करता था कि शॉर्ट फिल्म भी कुछ होगी, बन जाए तो दिखाए कहाँ, दिखाए कहाँ। और थोड़ा और पहले जो था वो स्टॉक वाली फिल्मों का जमाना था, निगेटिव वाली फिल्मों का, तो क्यों बनाए, बहुत रईस लोग बनाते थे, बाप बेटा बंदर देखने गए हैं, ऐसे जमाना था। जो डिजिटल चेंज हुआ और आज हर एक के हाथ में कैमरा, चाहे वीडियो बनाओ, हर एक के हाथ में कैमरा, कोई भी कुछ भी बना सकता है। दूसरा चीज ऑडियंस बहुत चेंज, अलग 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 प्लेटफॉर्म से सब कुछ होते हवाते, पूरे दिन इस तरह से उधेड़ बुन में जीते हुए, फिर शाम में ऐसे हंसते उनके पास प्यार के अलावा कुछ चारा ही नहीं है।
जावेड़ी की काम के लिए जंगली ने पैदा किया है। जावेड़ा नीचे जाते ही तुझे सलोनी नाम की एक लड़की मिलेगी, वो गरीब घर की होगी, तेरी माँ उसको नहीं चाहेगी बहू बनाना और तुम माँ से अलग होकर के काम करने लग जाएगा। तो ये चीज चेंज हुआ है और ये बहुत बढ़िया चेंज हुआ है। जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो अभी सबसे बेस्ट दौर से जा रहा है। देखिए आप एक इसको सिर्फ इतना गणित समझिए, कामयाब जैसी फिल्म एक डायरेक्टर लिखता है, आज से 30 साल पहले जाता किसी के पास, कहे तू बड़ा बैठेंगे एक दिन, ठीक है चल भगा देता, ठीक है कामयाब बड़ी अच्छी है, क्या होता है पिक्चर सर एक इसकी कहानी, नहीं 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 तू चल। आज कामयाब जैसे फिल्म को प्रोड्यूसर मिलते हैं, अब शाहरुख खान भी मिल रहे हैं, एक अच्छी चीज़ हुई है। तो कल को कोई दो और हार्दिक खड़े होंगे, समझिए तेरा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, लेकिन दो और हार्दिक खड़े होंगे, चार और संजय मिश्रा खड़े होंगे, जिनको अभिनय का शौक है तो अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट फिल्म मिल जाएंगे। अच्छा हमारे हिंदी विभाग के संपादक हैं अमिताभ जी, वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। एक्चुअली सर आई एम यू अ बिग फैन, और सर आपकी भी मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, रॉकस्टार मैंने 10 बार देखी है। अच्छा थैंक यू। क्या सर वो सड्डा हक वगैरह आप बढ़िया, ये मैं इम्तियाज अली नहीं हूँ आप पता है ना। अच्छा सर लेकिन आप उस पिक्चर में थे ना? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं थे। अच्छा तो बाल आपके वैसे हैं, बाल सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, बाल वैसे हैं पर मैं वो नहीं हूं। ये पिक्चर का तो वो नहीं कर रहा देखा इसको। ये सब सर मैं एक्चुअली ट्रेजेडी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं दो आपके डायलॉग बोलना चाहता हूं। तो चलिए देवी और सज्जनों, एक्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है सर, वो लाल शर्ट वाला फोटो मैंने देख लिया था, वही दूसरा सर अच्छा डायलॉग बोलता हूं। जिंदगी में किसी चीज को पूरी, ये ओम शांति ओम वाला आ गया सर, एक सेकंड सर बात किससे कर रहे हैं? एक सेकंड सर मेरे लिए सर केक की जगह केला काट रहा है हमारा। नहीं 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 आज इनके बॉस बाहर गए हैं, मैंने सब सारी जितनी ऑडियंस एक एक लगा के बैठी हुई है। हाँ सर आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, समझे? डोंट डू बेटा जस्ट चिल। अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो। सर क्या इसमें मतलब लॉजिक? देखो कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो लोग विस्की वोदका रम वाइन, तूने क्या पिया वाइन वोदका में कोक ना क्या था वो, कोरोना के सामने जाके खड़ा हो जा। देखो कैसे सब ठीक हो गया ना एक लगाते ही। देखो ये कितना सटीक यार, कोरोना से कोरोना इसको हाथ क्या लगाएगी, कुछ भी नहीं लगा सकते। तो कोरोना में फिल्म की स्टारकास्ट कर रहे थे, हीरोइन कौन हो सकती है? करीना। कोरोना में पिक्चर कोरोना में करीना ऐसा कुछ सोचा? मैं तो रॉकस्टार बनाता हूँ, मैं ये नहीं बनाता। तो सर मैं और एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा था। हाँ जी कि जैसे फिल्म में मैंने कामयाब देखी, वो बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, उसमें एक सीन था जो हमने यहाँ भी रिक्रिएट किया। ओके ओके ओके। जैसे कि वो आप जुगाड़ करना चाहते हैं 30 ml का, और वो नहीं हो पाता है और वो सीन मिस हो जाता है आपसे। तो एक्चुअल भी ऐसा होता है फिल्म में सेट पे आप कभी होते हैं तो 30 ml का जुगाड़ वगैरह करते हैं आप? 30 ml तो चाहिए ना जिंदगी के लिए, चाहिए जिंदगी टोटल हर एक के लिए। कोरोना अब तो कोरोना हम लोग तो बोतल लगा के घूमते रहते हैं, चढ़ा दे भाई। अरे ये तो पिक्चर देखा हुआ आदमी है, हमारी पिक्चर रिलीज हुई है, ये प्रेस शो में प्रेस शोज के लिए हमें बुलाया गया। तो उसको देखो जो वैनिटी में तो नहीं मांगता है वो। जिस समय वो वैनिटी में होता है या उल्लू धड़ा सो जैसे भगाया गया वहां से तो कॉन्फिडेंस हुआ लूज, 30 ml से लूज हुआ, 30 ml लेके रख लिया, लेकिन वो भी नहीं मिला तो और 30 ml खत्म हो गया, 60 ml बॉडी से कॉन्फिडेंस चली जाए तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अच्छा पूरी पिक्चर में तुझे वही समझ में आया जिसके वजह से पूरी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, कामयाबी ये कामयाबी वो, बोले अरे हटा 30 ml। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि कामयाबी का राज वो तो नहीं है, लेकिन कामयाबी के बाद वो हल्का हल्का। एक सवाल मेरे अपने लिए भी ये था कि
जैसे हर किसी की जिंदगी में एक लम्हा आता है कि जहाँ उसको लगता है कि वो खत्म हो गया है या फिर अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े रास्ता नजर नहीं आता, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी आया होगा, तो वहां से आप कैसे आपने वापस कामयाबी की तरफ राह चुनी? और आज के नौजवानों के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे, आज पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं लोग, सबर नहीं है, तो आप तो आप अपनी जो भी दास्तान है वो बताते हुए लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अब आप एक ऑफिस आते हो सुबह 9 बजे 10 बजे फिर 5 बजे चले जाते हो, क्यों कर रहे हो वो? क्योंकि दूध वाला, गैस वाला, चप्पल सिलाई, जूता धुनाई, रजाई भी खरीदते हैं लोग, तकिया खरीदते हैं, कुछ गद्दे खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, तो आपको उसके लिए ये झक मार के ये सब चीजें करनी ही पड़ती हैं, तो लगता है अब सब खत्म, बस इसी में सिमट के रहेगा। ये बात कामयाब में हमेशा मैं कहता हूं कि वो एक बुझते हुए दिए को फिर से जलाने की कहानी। जिंदगी में जब तक सांस है, कुछ खा रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, तो गाड़ी को सही दिशा में ले चलो, अपने लिए कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद दुनिया याद रखे ना रखे, मरने के पहले तक तुम अपने आप को कहो कि हाँ यार मैंने एक कुछ अच्छा काम किया है। जब आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पूरे दिन आप घर में बैठे रहे, आपको लगे नहीं आज मैंने एक अच्छा काम क्या किया, अपने लिए कर लिया थोड़ा सा, और जिस दिन नहीं करो लगता है कुछ किया ही नहीं है यार। तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और मेरे लाइफ में कई बार हुआ है कि क्यों बस, अभी तुम देखना कुछ दिन बाद मैं इरिटेट होने लगूंगा, सर कामयाब बहुत अच्छे हैं, चल बता कुछ और नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन लगेगा बस इतने ही के लिए थे कि यही सुनने के लिए कामयाब बहुत अच्छे, आपने बहुत बढ़िया काम किया सर, वो गाना तो उससे ऊपर जाओगे तब तो नेक्स्ट मजा ले पाओगे ना, तो ये बहुत होता। और हर बार 499 से 500 का ट्रिप हर एक को करना चाहिए, लेकिन ये 30 ml थोड़ा ज्यादा हो यार, ये तू ऑफिस में लगा ले रहा है, यही तो लेके आया नीचे से हम लोग को तो अब हमें लेक कौन जा रहा है, वो एक्चुअली खरीदने गया था वो, लेकिन मिल गए हम। अच्छा अब दिख गए, मैं बोला इनको लेके चलता हूं। जैसा आप कह रहे थे कि आज हर किसी को एक अच्छा काम करना चाहिए, मैंने एक आज अच्छा काम किया, आपसे मुलाकात हुई मेरी, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर करोना ये कितना बढ़िया बनाया ना, पैर छूने से करोना नहीं होता, समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल पहला कुछ सर हार्दिक सर बहुत अच्छा आपने काम किया है, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को बहुत पसंद आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, मजा आया, ऑडियंस के लिए भी हम लोग ताली बजा देते हैं, वाह।